भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर एक पौराणिक कथा शिव पुराण में बताया गया है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत के समय भगवान शिव ब्राह्मणाद से प्रकट हुए थे। उनके साथ तीन गुण रज तम और सत गुण भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों को मिलाकर शिव शूल बने, जिससे त्रिशूल बना। जबकि विष्णु पुराण में बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के उस हिस्से से एक त्रिशूल बनाया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया था। महादेव के त्रिशूल को भी तीन काल खंडों से जोड़कर देखा जाता है। भूत भविष्य और वर्तमान काल का भी प्रतीक है, इसी कारण महादेव को भक्त त्रिकालदर्शी कहते हैं। रज और सत गुणों के बीच संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था। तीन गुणों में ही भगवान शिव मग्न रहते हैं।